सुप्रभात साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है और जैसा कि तय था ये इसकी चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू करने के साथ साथ चुनावी तारीखों का भी ऐलान कर दिया। जो इस प्रकार से 7 चरणों में आपका चुनाव होगा। प्रथम चरण का चुनाव जो है 19 अप्रैल को स्टार्ट होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को, तीसरे चरण का चुनाव आपका 7 मई को, और फिर चौथे चरण का चुनाव 13 मई को, और पाँचवें चरण का चुनाव 20 मई को, और जबकि छठे चरण का चुनाव 25 मई को, और आखिरी 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा। इन चुनाव की पूरी 7 चरणों के चुनाव होने के बाद वोटों की गणना जो की जाएगी वो आपकी 4 जून 2024 को की जाएगी। आचार संहिता आपकी पूरी चुनाव के दौरान लागू रहेगी, जब तक कि चुनाव पूर्ण नहीं हो जाएगा आचार संहिता लागू रहेगी। आचार संहिता लागू होने से आपको नए कामों का कोई लाभ नहीं मिल सकता, जैसे नई वैकेंसियाँ नहीं आएंगी, नया कोई सृजन नहीं होगा, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें रुकी रहेंगी। देखना है कौन सरकार बनाती है, एनडीए अलायंस एनडीए बनाती है या फिर इंडिया अलायंस बनाती है, आइए देखते हैं।